में एसीबी की टीम आबकारी विभाग के कर्मचारी को 7,000 की घूस लेते ट्रैप किया। अवैध शराब की बिक्री के दौरान जब्त बाइक को छोड़ने और कोई केस नहीं बनाने की एवज में मांगी थी 20,000 की घूस। बीकानेर के नोखा में अंधविश्वास का खेल, तांत्रिक ने भूत बाधा बताकर स्कूली छात्रा को गर्म सलाखों से दागा, लड़की की तबीयत बिगड़ी, तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में आग का तांडव, लकड़ियों के ढेर में लगी आग को बुझाने के प्रयास में जिंदा जल गई 50 वर्षीय महिला, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं, कुंडेरा डूंगर गांव के भंडारिया ढाणी का मामला। राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, सीजन में पहली बार पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार, आज 16 जिलों में बारिश आंधी की संभावना। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल आरयूएचएस के कार्यवाहक वीसी, डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद किया गया नियुक्त, चिकित्सा मंत्री ने पूर्व सरकार पर लगाया आरोप, कहा पिछली सरकार में डॉक्टर भंडारी का सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड था, 2020 से चल रही थी अनियमितता। जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग का आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, 2 महीने पहले बीकानेर के बाल सुधार गृह से हुआ था फरार, लॉरेंस गैंग का कुख्यात शूटर है जयप्रकाश, और दुबई और पाकिस्तान भी आरोपी के जुड़े हैं तार। श्रीनगर में राजगढ़ का जवान जितेंद्र सिंह शहीद हुआ, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी हमले में शहादत दी, शनिवार को लाई जाएगी शहीद की पार्थिव देह। प्रदेश में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की धूम, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन, राजधानी में 2500 से ज्यादा युगल आज बंधेंगे शादी के बंधन में, बाजारों में शुभ मुहूर्त में जमकर होगी खरीदारी। भीलवाड़ा के बरोदा गांव में दलित समाज के दुल्हा दुल्हन की धूमधाम से सुरक्षा के साए में बिंदौरी निकाली गई, इस गांव में दलितों को घोड़ी पर बैठकर बिंदौरी निकालने की इजाजत अब तक नहीं थी। आरएमआरएस की बैठक को लेकर निर्देश, आचार संहिता के बाद जून के तीसरे सप्ताह में होगी बैठक, सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखते हुए जरूरत के अनुसार जारी किया जाए आरएमआरएस फंड। 12 में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य समेत अन्य चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान चला, मौसमी बीमारियों, लू और इसी के साथ गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों के प्रबंधन को लेकर तैयारियों को जांचा गया। नीमका थाना में कलेक्टर सभागार में जिला प्रभारी सचिव इंद्रजीत ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, बैठक के बाद नीमका थाना जिला अस्पताल निर्माणाधीन MCH भवन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। 12 के प्रेमपुरा बस्ती में लगे शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने ठेके पर धरना प्रदर्शन किया, आक्रोशित महिलाओं ने शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक दिया। नीमका थाना जिले में डाबला पुलिस की ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, 2 ओवरलोड वाहनों को किया जब्त, तो दोनों वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा जिले के नुवालिया गांव में पैंथर ने बकरी का फिर से किया शिकार, पैंथर ने 10 दिनों में 3 बकरियों का अब तक शिकार किया, पैंथर के आतंक के बावजूद वन विभाग नहीं ले रहा है सुध। कोटपुतली की विराटनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में फरार 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने पहले एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। नीमका थाना के गावर्णी मोड़ पर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया है, चोर मकान का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपयों के जेवरात लेकर फरार हो गए, पीड़ित की ओर से सदर थाने में मामला दर्ज। राजसमंद की कुवारिया थाना इलाके में ट्रेलर चालक ने फंदा लगाकर दी जान, चालक ने ट्रेलर पर ही फंदा लगाकर दी जान, मौके पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। खैरथल के भिवाड़ी में फूलबाग चौक पर बिरयानी की रेहड़ी लगाने वाले एक युवक के साथ बाइक सवार 3 लोगों ने चाकू मारकर उसकी जेब में रखे 3,000 रुपये लूटे, घायल पहुंचा जिला अस्पताल। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में व्यापारी पर फायरिंग मामले में मिली पहली सफलता, पुलिस ने फायरिंग करने वालों का सहयोग करने वाले 4 जनों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पीछे आधा दर्जन थानों के पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है। अलवर जिले के ग्राम सुंडियाना में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के आयोजन में युवाओं की ओर से भाग लिया गया, मुख्यालय समेत कई गांवों में होकर बाइक रैली निकाली गई।
चुरू जिले के सरदार शहर इलाके में अवैध कैफे पर पुलिस ने दबिश देकर चार जनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। चुरू के सरदार शहर इलाके में 7 दिवसीय ऑपरेशन अनामिका के तहत कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट और शीशे पर काली फिल्म लगाकर बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ने वालों पर, क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है, चालान काटे गए। ब्यावर जिले में धोखाधड़ी कर कागजातों पर हस्ताक्षर कर ऋण उठाने का आरोप, पीड़ित ने जिला कलेक्टर के सामने लगाई गुहार। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। सांचौर की रानीवाड़ा पुलिस थाने के सामने युवक का अपहरण। पुलिस की गाड़ी से खींचकर कुछ लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया था। नाकाबंदी करके युवक को बरामद कर लिया गया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। झालावाड़ जिले में उधारी की राशि लेने गई महिला की हत्या मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार। दांगीपुरा क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में 29 अप्रैल को हुई थी हत्या। मामले में मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। झुंझुनू के कवरपुरा गांव में चोरी की वारदात का मामला। घटना के बाद सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध। पुलिस ने फुटेज के आधार पर शुरू की चोर की तलाश। करौली की मासलपुर थाना पुलिस ने हत्या लूट मारपीट के मामले में 27 साल के फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अजमेर सिंह के ऊपर 25,000 और जंडेल सिंह के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। हनुमानगढ़ के चौहिना वाली में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले के विकासोर गांव में शादी के 2 साल बाद विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत। पीहर पक्ष ने जताया मौत पर संदेह। दहेज नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ित करके मारने का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। राजसमंद में मोहनलाल गुर्जर के लापता होने का मामला। 35 दिन के बाद अभी तक कुछ नहीं मिला है सुराग। जिला कलेक्टर से लगाई गई मदद की गुहार। धौलपुर में धर्मकांटा पर हथियारों की नोक पर 3,48,850 की लूट करने का आरोपी दबोचा गया। 16 अप्रैल को दिन दहाड़े घटना को दिया था अंजाम। दो आरोपी फरार। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी और मशीन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। अलवर में डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित करके लूटने का मामला आया सामने। महिला ने अपना मोबाइल, नकदी, गले से सोने की चेन, 2 अंगूठी उतारकर बदमाशों को दे दी और अलवर के वैशाली नगर थाने में मामला हुआ दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में दलित दूल्हे को दबंगों ने निकासी निकालने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच में धूमधाम से निकाली गई दूल्हा और दुल्हन की निकासी। सरमथुरा वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने अवैध कारोबारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध खनन में संलिप्त एक हाइड्रा मशीन भी जब्त की। जयपुर रोड अहिंसा सर्कल के पास जंगल में शव मिलने से सनसनी। शव के पास जहरीली दवा की शीशी भी मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जयपुर के परकोटे में वेंकटेश मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास। सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर आरोप। देर रात मंदिर में महंत परिवार को बनाया बंधक। कोटपुतली में नगर परिषद के दावों की खुली पोल। शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के काम में धांधली। पहली बारिश में बिछाई गई लाइन में बन गए हैं गहरे गड्ढे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भीलवाड़ा जिले में 20 सालों से लुहारिया गांव में झूला छाप कर रहा था। इलाज शिकायत मिली तो पहुंचे चिकित्सा अधिकारी। आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। प्रतापगढ़ जिले में एक दिव्यांग युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। इलाके में सनसनी। हाथ से दिव्यांग मजदूरी करता था, ट्रैक्टर भी चलाता था। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया शव। जयपुर में अशोक नगर थाना पुलिस और डीएसटी साउथ की बड़ी कार्रवाई। 24 अप्रैल को उसी स्कीम में हुई 15 लाख रुपए की लूट का किया खुलासा। महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले में रामसरा बाईपास पर कंटेनर और पिकअप की टक्कर। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने निजी वाहन से घायल को अस्पताल पहुंचा दिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिल्ली गांव में एक कच्चे घर में आग लग गई और आग से घर के सामान के साथ ही अनाज भी जलकर राख हो गया। डूंगरपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीकर जिले के पलसाना में
ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस में बैठी करीब आधा दर्जन सवारियां घायल हुई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर में दो अलग अलग हादसों से मचा हाहाकार। किशनगढ़ में बेकाबू होकर पलटी सवारियों से भरी स्लीपर कोच बस, करीब 24 यात्री हुए घायल। वहीं दूसरे हादसे में ट्रेलर और कैंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, 7 लोग घायल हुए। गंगापुर के जसनी गांव में काम कर रहे मजदूर की हुई मौत। जल जीवन मिशन के चलते पाइपलाइन डालने के दौरान लॉरिंग मशीन के पलटने से हुआ हादसा। टोडा भीम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में घोड़ीवारा तिराहे के पास ट्रोले ने बाइक को मार दी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार एक की मौत, एक घायल। घायल को मुकुंदगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, इसी कड़ी में बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में बड़ी संख्या में मौजूद रहे वरिष्ठ लोग। चूरू में राजस्थान पटवार संघ एवं राजस्थान कानूनगो संघ चूरू के संयुक्त कार्यकारिणी के आह्वान पर पटवार संघ के पदाधिकारी हड़ताल पर रहे, अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। करौली विप्र सेना और करौली एसपी ने एसपी कार्यालय और कलेक्टोरेट परिसर में पक्षियों के लिए परिंडे बांधने के अभियान का आगाज किया। एसपी और विप्र सेना ने परिंडे बांध कर पक्षियों के लिए गर्मी में जल का प्रबंध करने का संदेश दिया। भीलवाड़ा जिले के आसिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हाथ की अलना हड्डी का हुआ सफल ऑपरेशन। आसिन सीएससी में पहला सफल ऑपरेशन हुआ। डीडवाना शहर में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती राजपूत सभा भवन में आयोजित हुई। राजपूत समाज के लोगों ने विशाल वाहन रैली निकालकर उन्हें अपना सम्मान प्रकट किया। नीमका थाना जिले में राजकीय सम्मान के साथ बीएसएफ के उप निरीक्षक की अंत्येष्टि की गई। निधन का समाचार मिलते ही गांव समेत पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। ब्यावर में कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्व अधिकारियों से अब तक की जानकारी भी ली गई। सीकर जिले में विभागीय आदेश के बाद अनूठी पहल की इलाके में हुई शुरुआत। सरपंच, ग्राम सेवक और पटवारी ने मिलकर गांव में लगाए पक्षियों के लिए परिंडे, जिनमें प्रतिदिन पानी और दाना डाला जाएगा। चौमू एसडीएम दिलीप सिंह राठौर ने फील्ड में निकलकर मंडा भिंडा गांव के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी को देखकर एसडीएम नाराज हुए। झुंझुनू जिले में स्काउट और कब यूनिट लीडर का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत, ध्वज शिष्टाचार का दिया गया प्रशिक्षण। झुंझुनू जिले में जलदाय विभाग के दावों की जमीनी हकीकत दिखी। तहसीलदार ने नवलगढ़ कस्बे के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घरों के बाहर लोग पानी का इंतजार करते दिखाई दिए। मुंबई में पकड़ी गई 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स शरीर में छिपाकर कोकीन कैप्सूल्स ला रहा था अफ्रीकी नागरिक, एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के रीवा में झमाझम बारिश, तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी बहुत राहत। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का नहीं पता चल सका। बिहार की राजधानी पटना में बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू।